भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में सारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रगति कर रही, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री शीर्ष उपाध्याय जी, जाजू जी, मांगेराम जी, विजेंद्र गुप्ता जी, देवी और सज्जनों, 36 वर्ष बीत गए और मुझे आज भी स्मरण है कि यहाँ पर अनेक ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने फिरोजशाह कोटला की ग्राउंड में, जो आज इंडियन एक्सप्रेस के पास जगह है, जहाँ एक ग्राउंड हुआ करती थी, उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस समय कौन दरियाँ बिछाएगा, कौन कुर्सियाँ लगाएगा, कौन मंच बनाएगा, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता यहाँ बैठे जिन्होंने उस दिन का वहाँ पर सारा संचालन का कार्यक्रम वहाँ रखा था। भारतीय जनता पार्टी किन परिस्थितियों में बनी, शायद बहुत से लोगों को इसका पूरा मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ पहले बना था 1951 में रघुकुल कन्या पाठशाला में, यहाँ पर एक छोटे से हॉल में जनसंघ का निर्माण हुआ था, परंतु 1975 में जब एमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, तो आपातकाल लगने पर लाखों की संख्या में लोग जेलों में डाल दिए गए और सबसे ज़्यादा जनसंघ के लोग थे जो जेलों में डाले गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकांश लोग जेलों में डाले गए और बहुत से लोग जेलों के अंदर भीषण यंत्रणा सहते हुए भी वहाँ पर ये चल रहा था। परंतु उस समय ये विचार आया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब प्रलय काल आता है तो बीज रूप में भी बचा करके और फिर उससे वट वृक्ष बनाने का कार्यक्रम करना चाहिए, और इसलिए जनसंघ और अन्य पार्टियों ने मिलकर के एक जनता पार्टी बना ली थी और वो जनता पार्टी बाद में 1977 के चुनाव में सत्तारूढ़ हुई और यहाँ पर देश में उनका शासन हुआ। परंतु 1980 आते आते परिस्थितियाँ बहुत बदल गईं, हालात बदल गए और उसमें एक विषमता पैदा हुई और उस समय इस बात के लिए कुछ लोग चाहते थे ऐसी विचारधारा को लेकर के चलना जो भारतीय जनसंघ या भारतीय जो हमारी विचारधारा है उससे मेल नहीं खाती थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो उस विचारधारा से बाहर आना चाहते थे और कुछ ये समझते थे कि अगर जनसंघ के लोग इस पार्टी में बने रहे तो ये पूरा बहुमत अपने हाथ में ले लेंगे और बाद में धीरे धीरे सत्ता इनके हाथ में चली जाएगी, मेंबरशिप होगी तो यही लोग आगे आ जाएंगे। तो उन्होंने एक बहाना बनाया और बहाना यह बनाया गया कि दो दूरी सदस्यता नहीं हो सकती, जो लोग जनसंघ में हैं या जनसंघ के थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य नहीं रह सकते और जनसंघ के सदस्य दोनों जनता पार्टी के सदस्य दोनों पार्टियों के सदस्य बने, ये उचित नहीं। और इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जनसंघ के जो लोग जनता पार्टी में आए हुए हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना संबंध विच्छेद कर लें और उनकी सदस्यता जो है उसको छोड़ दें। इस बात पर बहुत गहन संघर्ष होता रहा, झगड़ा होता रहा और उसके बाद परंतु जनसंघ के अंदर जितने लोग थे ज़्यादातर स्वयंसेवक थे, बहुत से लोग थे जो स्वयंसेवक बाहर के भी थे, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अलग कर लेना या अपनी प्राण तत्व से अपने आप को अलग कर लेना, अपनी आत्मा से अपने को अलग कर लेना, इसको स्वीकार नहीं किया और उस समय इसको स्वीकार ना करते हुए ये तय किया गया। मुझे आज भी स्मरण है उस कार्य समिति की बैठक का, चंद्रशेखर जी अध्यक्षता कर रहे थे, हम सब लोग बैठे हुए थे और उसमें कुछ लोग जो कांग्रेस में चले गए थे इसमें से निकल करके और कांग्रेस में जा करके वो भी उस बैठक में आ गए और वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया कि या तो दूरी सदस्यता समाप्त करो नहीं तो जनता पार्टी से बाहर कर दिया जाए, और उसमें से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी से हम लोग बाहर आ गए। परंतु बाहर आने के बाद उस समय इस बात की आशंका थी कि ये कुछ ऐसा ही कांड होने वाला है, ऐसी कुछ बात होने वाली है, इसलिए पहले से ही 2-3 दिन के बाद ही 6 अप्रैल को फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में एक कार्यक्रम आमंत्रित पहले ही किया गया था, टेलीफोन पर ही सबको सूचना दे करके सबको एकत्र किया गया और देश भर से अपने जनसंघ के जितने पुराने लोग थे
वो सब एकत्र हुए। वहाँ आने के बाद ये जनसंघ, इसमें से अब नई पार्टी बनाई जाए ये तो तय हो गया, परंतु उस पार्टी का नाम क्या रखा जाए इस बात पर भी विचार चल रहा था। तीन व्यक्तियों की एक सदस्यता कमेटी बना दी गई, तीन व्यक्तियों की, ये तीन बैठ करके और सबसे राय करके जितने लोग हैं पार्टी का नाम तय करें। तो सबसे कहा गया, जितने कार्यकर्ता आए हुए थे, जितने वहाँ पर नेता आए हुए थे, कि आप अपने अपने एक चिट पर लिख करके नाम बता दें कि नाम क्या रखना चाहिए नई पार्टी का। तो बहुत नाम सजेस्ट किए गए। कुछ लोगों ने इस बात की राय रखी कि भारतीय जनसंघ नाम दोबारा रख दिया जाए, कुछ लोगों ने ये राय दी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी नाम रख दिया जाए, और इस तरह से 10-5 नामों की श्रृंखला के रूप में सब ने लिख करके दिए। परंतु अधिकांश का राय यही थी भारतीय जनता पार्टी इसका नाम रखा जाए, और भारतीयता भी उसमें आती है, जनता पार्टी भी उसमें आती है, जनता पार्टी में जो हम लोग गए थे वो भी आता है, जन शब्द भी आता है जो जनसंघ का शब्द है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका नामकरण किया जाए। और उस समय सर्वसम्मति से बाद में भारतीय जनता पार्टी इसका नामकरण हुआ, और इसका नामकरण होने के बाद रोशक इस पार्टी का वहाँ पर। परंतु ये जो अभी आपके सामने बताया कि उसका पहला अधिवेशन फिर बम्बई में हुआ था, और बम्बई में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें अगली बारी अटल बिहारी इस नारे के साथ, और छागला साहब ने भी कहा था कि एक समय आएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। परंतु उसके बाद 1984 में केवल 2 सदस्य रह गए थे, और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है वो हम सब लोग जानते हैं। मैं तो आपके सामने केवल इतना ही उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और पंच निष्ठाएँ, बहुत कम लोग हैं हम सदस्य बन जाते हैं पर हमारी निष्ठाएँ क्या हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उन निष्ठाओं में सबसे पहला शब्द उसमें प्रयोग किया गया राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता। आज सारे देश में संघर्ष चल रहा है कि राष्ट्रवाद मानने वाली कौन सी पार्टी है और राष्ट्रवाद का विरोध करने वाली कौन सी पार्टियां। प्रायः सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए एकत्र हो जाती हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक लेना, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकात्मता ये पहला सिद्धांत है, लोकतंत्र दूसरा सिद्धांत है हमारी निष्ठाओं में से। फिर उसके बाद पहले गांधीवादी समाजवाद शब्द प्रयोग किया था, बाद में समाजवाद शब्द को हटाकर समता मूलक और शोषण मुक्त गांधीवाद के आधार पर सामाजिक और आर्थिक परम क्षेत्र में समता मूलक और शोषण मुक्त ये ऐसा हम चाहते हैं, और फिर उसके बाद वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स और सर्वधर्म समभाव का यहाँ पर सकारात्मक पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये शब्द प्रयोग कर दिया। ये 5 निष्ठाएं थी, और हम किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते। जो आज का नारा दिया है हमारे विलक्षण प्रधानमंत्री जी ने, विश्व के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री जो हमारे देश में हैं, उन्होंने सबका साथ और सबका विकास, ये शब्द भी उस समय आए हुए, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के इन सबको किया जाए, ये शब्द भी उसके अंदर आए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी 6 अप्रैल को, और पहला अधिवेशन मई में हुआ, आज आकर के देश में इस समय सत्तारूढ़ हैं। तो जिन कार्यकर्ताओं ने सारे संघर्ष में भाग लिया और उनके संघर्ष के कारण देश भर में और उनके बलिदान के कारण आज पार्टी स्थिति में पहुंची है, उन सबको आज अभिनंदन करने का भी दिन है, उनके स्मरण करने का भी दिन है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस अवसर पर यहाँ आए हैं, इसलिए हम सब उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। मुझे इसमें बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।